يوم الحياة الدنيا والآخرة خير وقضى إن هذا لفي صحف أولى صحف أولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين إذي كتب پریوار سجنا سب کو چھوڑیا دے کٹمب پریوار سجنا میں سب کو چھوڑیا دے من باندھیا سچ سہس دل چم سے جڑیا رے شری نبی کے تاہیا تو قدر مت جائے جب آئے گی دے جنا تب تم دیکھان آئیو شی نبی کے چاہیا اے جو سنے پر ساتھ رو مہم دان آگے پر ساتھ رو مہم دان آگے پنڑے پنڑے تجھے مرو جیو کھنا دے شری نبی کے چاہیا اے جی ہم تم ملی گلے ایک باوری بھیا رے پیر حسن شانی جنتی تمہیں سنو مور سایا شی نبی کے چاہیا قدر مت جیو جب آوے گی دے دنا تم دیکھن آئیو شری نبی کے ساہیا قرآن حاضری ماں مجاہد المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر ایمان کے پاس اور مبارک نام پر عشق اور محبت سے صلوات پر زندہ رہوں دلدارو قرآن پاک کے اندر سب سے بڑے میں بڑی سورہ ہے وہ سورہ البقرہ ہے دوسری سورہ اور قرآن شریف کے اندر سب سے چھوٹے میں چھوٹی جو سورہ ہے چھوٹے میں چھوٹا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے سورہ العصر
उस सूरे अल असर के अंदर सिर्फ तीन आयतें हैं, लेकिन अगर सरकार सुल्तानुल निशा के फरमान के मुताबिक सलातुल्ला अलैके तो सुल्तानुल निशा ने जैसे फरमाया कि अगर तमे कुराने शरीफ वांचो तो हिकमत अने दानाईनी साथे वांचो, नहीं तो तमे नुकसान थशे। तो हिकमत के साथ अगर कुरान पढ़ने में आए तो हमें ये लगेगा कि पूरी कुरान की ये छोटे में छोटी सूरा सिर्फ जिसमें तीन सेंटेंस तीन आयाते हैं, लेकिन जैसे पूरा एसेंस अल्लाह ने उस तीन आयात के अंदर भर दिया। इस मुख्तसर छोटी सूरा के अंदर अल्लाह इंसान की भाषा के अंदर बात करता है। मैं इंसान की भाषा इसलिए कहता हूं, अल्लाह तो कुल्लू अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है दिनदारो, लेकिन मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि खुदावंद ताला ने इंसान की भाषा में बात की। एक्सप्लेन करूं, मैं पहले ये पहली आयात बता दूं आपको। अल्लाह फरमाते हैं कि कसम है चले जाने वाले टाइम की, अल्लाह कसम खाता है। तो कसम खाना इंसानों की भाषा है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी कोई बात आपको समझाने की है कि भाई आओ जो चाह तो ही सच्चो आए, कोई एक मेरी दलील तुमको समझानी है और आप नहीं मानते हैं तो लास्ट में क्या करूंगा कि कसम खुदा जी ये सच्ची गाल है, ऐसा मैं कहूंगा बराबर, यानी एंड में कसम खा के अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करूंगा। ऐसे यहां जो है वो अल्लाह जो है वो कसम खाता है। अल्लाह फरमाते हैं कसम है चले जाने वाले वक्त की, अल असर, असर यानी टाइम वक्त। और कसम खा के क्या कहता है खुदा, खुदा कहता है कसम खा के कहता हूं कि इंसान बड़ा नुकसानी के अंदर है, इंसान यानी हम सबको ले लिया, इसमें सब आ गए, इसमें मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन जितने भी इस दुनिया के ऊपर इंसान मात्र है। अल्लाह ने फरमाया कि कसम है वक्त की कि इंसान घाटे में है, नुकसानी के अंदर है। यहां कोमा आता है यानी आगे आयत बाकी है। तो दिनदारो खुदा जब कसम खा के एक बात कहता होगा तो ये कितनी सच्ची होगी ये बात। अब हम देखें कि अल्लाह जो फरमाते हैं कि इंसान घाटे में है, इंसान नुकसानी के अंदर है, किस तरीके से कुरान के अंदर ही इसके खुलासे हैं। हम फरमान की रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में, कुरान की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। दिनदारो इंसान हकीकत में नुकसानी के अंदर है। देखो इंसान पैदा होता है, अपनी एक उम्र लेके पैदा होता है, अपनी एक रोजी लेके पैदा होता है, अपनी एक रिश्तेदारी रिलेशनशिप लेके पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होते जाता है दिनदारो इसकी उम्र घटते जाती है, इसकी रोजी घटते जाती है, इसकी रिश्तेदारी कम होते जाती है। अगर गौर डीप फिलोसॉफी से तुम सोचो तो हम रोज मरते हैं दिनदारो, हम रोज मरते हैं। कैसे मरते हैं हम रोज? देखो एक पांच साल का बच्चा, वो पांच साल का बच्चा जब पंद्रह बरस का होता है तो वो पांच साल के बच्चे का जो बचपना है ना, चाइल्डहुड, वो मर गया, वो वापस नहीं आने वाला है, नेवर, कभी नहीं आएगा उसका बचपना, तो वो बचपना खत्म हो गया। और वो पंद्रह साल का बच्चा जब बड़ा होता है, पचास बरस का होता है, उसकी जवानी मर गई दिनदारो, उसकी जवानी मर गई। और फिर एंड टाइम आता है जब हकीकत में उसके ऊपर मौत आ जाती है, ये फिजिकल मौत, ये शरीर को वो छोड़ देता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कसम है चले जाने वाले वक्त की कि इंसान जो है वो बहुत बड़ा नुकसानी के अंदर है। और ये नुकसान कि जैसे जैसे दिन जाता है दिनदारो, हमारी उम्र भी कम होते जाती है, हमारी रोजी भी कम होते जाती है, हमारी रिश्तेदारी भी कम होते जाती है। और मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैह ने इस चीज को अपने फरमान के अंदर इस मुताबिक फरमाया जो अक्सर अलवाइज अपनी वायजों के अंदर देते हैं कि काल काल तुम्हारा मत प्यारे आवानी न, कि कल तुम्हारे लिए कभी आने वाली नहीं है। पंडित नेहरू ने, इंडिया का जो लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के
वालिद, उसकी एक छोटी बुक है उसके जीवन चरित्र की, हिंदी के अंदर, गुजराती के अंदर, इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल शुरुआत के चैप्टर के अंदर पंडित नेहरू लिखते हैं, इतनी अच्छी बात है। वो लिखता है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरा बर्थडे आवे एवरी ईयर, तो मुझे इतनी खुशी होवे मेरे जन्मदिन के मौके के ऊपर। क्यों खुशी होवे? तो पंडित नेहरू लिखता है कि उस दिन मेरे को जैसे मैं एक दिन का बादशाह बन जाता था, कि बस लोग मेरे को किस करे, मेरे को बुलावे, मेरे को मिठाई खिलावे, मेरे को गिफ्ट वगैरह देवे, तो मैं तो इतना राशि राशि हो जाऊं और 11 महीना मैं इंतजार करूं कि वो दिन वापस कभी आवे मेरे बर्थडे का। मेरे अपने जीवन चरित्र में लिखता है। और फिर लिखता है कि जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं समझदार हुआ, और तब फिर मेरा जब जन्मदिन आने लगा ना, तो मेरे को अफसोस होने लगा कि अरे ये खुशी का दिन नहीं, ये तो गम का दिन है, कि मेरी जिंदगी में से एक बरस कमती हो गया, कि जो एक साल वापस कभी नहीं आने वाला है, वापस कभी नहीं। कसम है चले जाने वाले वक्त की, इंसान बड़ा बड़ा नुकसानी के अंदर है। आयत आगे कंप्लीट करेंगे दिनदारों, लेकिन एक बात नक्की है मोमिनों, जिंदगी और मौत है ना, वो इंसान के हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में है। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में है। कई मर्तबा हमारी फैमिली के अंदर, हमारे रिलेशन के अंदर कभी कोई ऐसी अचानक मौत हो जाती है, तो बहुत मर्तबा पता है ये एक जात का अटैचमेंट है हमारा, ये खासतौर औरतें इशारों न पियो, ये बहुत जल्दी है लिए दुनिया में से, खुदा ने इशारों न करे, राइट। मगर सरकार सुल्तान मुशा ने फरमाया है अपने फरमान मुबारक के अंदर कि जारे इंसान पैदा था छे, हरेक इंसान ने जन्मती वक्त जिंदगी ने अमुक एज उम्र आपवा मारे छे, कोई ने 25 वर्ष, कोई ने 30 वर्ष, कोई ने 40 वर्ष, कोई ने 50 वर्ष, सिवाय के जे लोग दारू और सिगरेट पे छे, लोग 5-10 वर्ष पहला मरी गए थे। कुदरत आपेली जिंदगी करता 5-10 वर्ष था, इस सब्जेक्ट को अभी हम नहीं लेते हैं, लेकिन सुल्तान मुशा ने फरमाया कि हरेक इंसान की जो उम्र है वो नकी करेली है, दिनदारो उम्र नकी कर। भले हम लोग कहते हुए कि खुदा ने की बरोबर न करी, मेरे पास एक दो कटिंग्स है, मैं अभी साथ में तो नहीं लाया हूं, बहुत सारी चीजें मैं लाया हूं अपने साथ में, न्यूज पेपर के अंदर आया हुआ है। हमारे बॉम्बे के करीब में एक छोटा सा गांव है दहानू करके, वहां एक छोटी सी हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल के अंदर एक बूढ़ी बीमार थी, तो उसको कुछ औरतें देखने को गई, उसके नेबर जो होंगी 6-7 औरतें थी, तो दोस्ती माँ तो बेचारी राजी हो गई कि इतनी बड़ी बायो में केनारल में चे आई है, तो उसके जरा फ्रेशनेस लगा और हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी उसकी रिकवरी के ऊपर थी। तो दोस्ती कहती है कि आई जो अभी हो आओ जरा टॉयलेट पे भी नहीं था, तो 6-7 बाइया बैठी वहां और भाई टॉयलेट में गए। टॉयलेट में गई तो वहां जो औरतें बैठी थी ने वो बिल्डिंग को अलग से गई, गिर गए और 7 औरतें मर गई और बूढ़ी बच गई। जो मरने वाली थी वो बच गई, तो बूढ़ी बाहर आके देखती बोले अरे ये तो बड़ी मरी हुई है, मुके नारा लाई हुई मराठी के अंदर था, ये वहां महाराष्ट्र गांव है। खुदा ने फरमाया जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, जिंदा। और दूसरा मेरे पास एक कटिंग है न्यूज पेपर के अंदर, जूनागढ़ का एक लड़का था ना पतंग उड़ाता था, वहां उत्तरायण आता है ना जब पतंग की बहुत सीजन होती है, वो पतंग उड़ाते 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 वो गैलरी के बालकनी के किनारे के ऊपर आया और गिर गया। गिरा तो कहां गिरा पता है? वो पार्टी वाला जाता था ना नीचे टोकरी लेकर के, उसके टोकरी के अंदर गिरा, तो लड़का तो बच गया लेकिन वो पार्टी वाले को लगा कि आज सू पड़ी माथा ऊपर, तो उसका हाथ फेल हो गया, वो मर गया। बिंदर मलाना सुल्तान शाह ने फरमाया हरेक इंसान की जिंदगी मुकर्रर कर रखवामां आवी छे, जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज अल्लाह ने हमारे हाथ में रखी है और वो ये कि मरना किस तरह वो हमारे हाथ में दिया, मरना किस तरह वो हमारे हाथ में दिया है। और मुझे अलवाइजा गुलशन भाई ने कहा कि मेरी किंसासा की जो वायसे हैं वो तकरीबन सब लोगों के घर के अंदर है, सब लोग सुन चुके हैं जिंदा। और उसी वायसों के अंदर मैंने रिपीटेडली एक बात बताई है कि इस्माइली के पास ये हक है, ये बात है,
तो हम कैसा मरना चाहते हैं दीनदारों, हम कैसा मरना चाहते हैं? जैसे पीर सदरुद्दीन ने फरमाया, ऐसे हाथ गस्ते गस्ते निशासा डालते डालते, या दूसरे गिनानों के अंदर फरमाया कि अली का जिक्र करते करते और उसके नाम के अंदर मशगूल हो गए और हम चले जावे इस दुनिया से अंदर से। तो अब आयात कंप्लीट होती है जो अल्लाह ने फरमाया कि कसम है चले जाने वाले वक्त की कि इंसान बड़ा घाटे के अंदर है, नुकसानी के अंदर है। अब आयात कंप्लीट होती है कि ए लो को नुकसानी माना थी। अभी देखो डिपार्टमेंट होता है अलग, पहले सबको ले लिया तमाम इंसान, लेकिन अब अल्लाह फरमाता है कि ए लो को नुकसानी माना थी कौन? तो खुदा फरमाता है जिनके अंदर चार वस्तु थे, जिनके अंदर चार चीजें थी। वो चार चीजें कौन थी? तो अल्लाह ने फरमाया जिसको ईमान है, गिनते जाना, चार चीज जिसको ईमान है। दूसरी चीज तो अल्लाह ने फरमाया जो नेक अमल करता है। तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाया कि जो हक के रास्ते पे चलता है और दूसरे को भी चलाता है, खुद चलता है और दूसरे को भी चलाता है। और चौथी चीज तो अल्लाह ने फरमाया कि तकलीफ के टाइम में, मुश्किल के टाइम पे जो सबूरी अख्तियार करता है वो नुकसानी के अंदर नहीं है, बाकी तमाम नुकसान के अंदर है। दीनदारों, खुदा ने स्टैंप मार के फरमा दिया है कसम खा के कि मैं जो ये बात कहता हूं ये बिल्कुल सच्ची है। अब ये चार चीजें हमें मिलेंगी कहां से? निंदर फिर के मेरे तो दो तीन सब्जेक्ट हैं, इबादत, जमात खाने की हाजिरी, आखिरत को याद करना, बाकी दूसरे भी हैं, इमामत वगैरह के यहां सेमिनार है एक दो, इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन जो मेन चीज, मैंने कल हैमिल्टन में गए थे, एक बात बताई कि सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने प्लेटिनम जुबली के मौके के ऊपर तालिका भेजा, जो बुजुर्गों को याद हो गए तो सेम तालिका 28 साल के बाद शाह करीम आजरी मां ने भेजा, यानी वही एसेंस वाला सेम, जो चीज हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने प्लेटिनम जुबली के मौके के ऊपर जमातों को बताई वही चीज हाजरी इमाम ने 28 साल के बाद रिपीट की। और वो चीज क्या? तो मौलाना सुल्तान मुशा ने लिखा तालिके के अंदर कि 70 वर्ष भी मारी इमामत दरमियान दुनिया चेंज थी गई है, घणु बधु परिवर्तन आ गयु, मटीरियलिज्म बहु वधी गयु, घणो प्रोग्रेस थयो छे, इंसाने कुदरत उपर प्रभुत्व मेळव्यु छे, रूहानियत के अंदर कहीं मेड़ू नहीं। यही सेंटेंस शाह करीम हाजर इमाम ने वापस जमातों को याद दिलाए। दिलदारों, फिर से रिपीट करता हूं एक जुमला, भले आप लोगों ने कैसे सुन ली है, लेकिन मेरे उस्ताद मरहूम मिशनरी जमाल वीर जी, जिसको बुजुर्ग पिछानते होंगे, मैंने तो एक दो वॉयस सुनी थी, वो कहते थे कि जमात वायस सांभड़ी ने याद रखे ने तो मिशनरी जो धंधो बंद थे भी नहीं। बिल्लर मौलाना शाह कई मुलुसैनी हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर से रूहानियत को याद दिलाई शाह करीम हाजिर इमाम ने कि भौतिक वस्तु पाछड़नी आंधी दोष तमारा माटे विनाशकारक परिणाम लावशे। लेकिन उसमें एक जुमला आया है, कितने बरस हुए तालिके को? 3 साल हुए, मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, यहां पढ़े जाता है कि नहीं, लेकिन इंडिया का मैं कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी मुखी कमरिया 2-3 महीने में एक मरतबा वो तालिका रिपीट कराते हैं, 10 जुलाई 1982 का। इसमें एक जुमला ऐसा आया कि मौलाना हजरीमा ने कहना है कि हवे थी तुम्हारा भावी जीवन घड़तर दुआ, बंदगी और यूनिटी, भाईचारा की भावना साथ तमे कर। तो मुझे लगता है कि आप तो माशाल्लाह है ही जमात खाने की हाजिरी, इबादत वगैरह के अंदर, लेकिन दुनिया है, कभी कभी सुस्ती आ जावे, तो ये तालिके के बाद थोड़ी बहुत सुस्ती तो हमारी निकल गई होगी। जिंदा ये चार चीजें हमें इस दर के अंदर से मिलेगी, ईमान, सबूरी, मुसीबत के वक्त सबर करना, हक के रस्ते पे चलना और दूसरे को चलाना, और नेक आमाल, ये चार चीजें हमें इस दर में से मिलेगी, इस घराने के अंदर से।
मौलाना शाह करीम उलहसन हाजिर इमाम का 64 के सलमान की बुक है पार्ट वन, पाकिस्तान की विजिट पार्ट वन एंड पार्ट टू आपकी लाइब्रेरी में होगी, यहां पर इंग्लिश गुजराती दोनों के अंदर निकली है। और इस विजिट के दरमियान में मौलाना हाजिर इमाम ने कई जमात खाने के उद्घाटन किए थे, पाकिस्तान में कई का फाउंडेशन डाला था। हाजिर इमाम चंडो मोहम्मद खान गए हैं और चंडो मोहम्मद खान का जो सिंध में है एक विलेज है और वहां के जमात खाने के उद्घाटन किया और फिर बैतुल ख्याल की बंगली का उद्घाटन किया। और जमात खाने का उद्घाटन करके मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं, जो लोग वहां हाजिर थे उन्होंने देखा, माँ ऐसा करते हैं दिस प्लेस आज गया हाजिर इमाम को कौन सी जमात खाना कि ये जगह, हाजिर इमाम फरमाते हैं कि यहां तुम आएंगे। हाजिर इमाम ने फरमाया के दुनियानी हर तकलीफ नो सामनो करवानो बल अने शक्ति तमारी अंदर आओ। हर तकलीफ हाजिर इमाम ने कहा, देखो सर्टिफिकेट दिया है मौला ने, सर्टिफिकेट दिया। मैं अभी कराची में था 2 महीने पहले, आपकी दुआ से मुझे फरमान वर्कशॉप के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व करने में आया स्टैंड एसोसिएशन की तरफ से। वो बातें हम शायद समी चलते करेंगे फरमान की, और वर्कशॉप के साथ साथ में थोड़ी वायस की ड्यूटी भी मुझे देने में आई। मैं दरखाना जमात खाने में वायस करने गया कराची। वायस के बाद मैंने मुखी साहब से एक भाई के बारे में पूछा जो दिखी नहीं मुझे जमात खाने में, तो मुखी साहब ने कहा मिश्री साहब वो बीमार आए। मैंने कहा देखने जाना है चलेंगे, बोले हाँ चलो। वो कौन सी भाई है पता है, अभी हयात है यहां, मैं समझता हूं कि नाम देने की मुझे जरूर नहीं है। सुल्तान मिश्रा ने पूछा था कि नूर किसने देखा है, उस भाई ने हाथ पीछा किया था। और फिर करीम हाजिर इमाम इमामत की गादी के ऊपर और धार्मिक कामकाज के लिए जो पाकिस्तान है, हाजिर इमाम ने पूछा था चेंज ऑफ बोल्ट के अंदर नूर किसने देखा है, जब भी उस भाई ने दूसरी मरतबा हाथ पीछा किया था। वो नूर देखी हुई भाई की बात मैं आपको करता हूं। निंदर शाह करीम ने कहा नहीं अह तमने ए बल मरशे, ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे हम लोग घर में दाखिल हुए 10x12 की खोली, बाल बच्चा नहीं है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, बुढ़ी हो गई है, हस्बैंड बुढ़ा हो गया है। जैसे घर में दाखिल हुए ने तो उसके जो कपड़े थे ना यहां तक चढ़े हुए थे घुटन तक, इसी चेयर के ऊपर बैठी थी और उसके पैर में से है ना पस जा रहा था, दोनों पैर में से ऐसे पस एकदम निकल रहा था। मैं हैरान हो गया देखते, और मुझे लगता है मैं इसकी कैसेट साथ में लेके आए हूं, जो हम लोग बातचीत किए हैं वो कैसेट है मेरे पास यहां, जो आपके सुनने के वो तो मैं लेके आऊंगा सेटर देखो। नहीं नहीं मैंने कहा था ना एक वायस भी मेरी चिंता था कि ये सब क्यों बोलना पड़ता है, पता है ना मिस्टर ठोकम था कर या करे खबर नहीं, इसके लिए बोलना पड़ता है दिनदार है याली मदद मोलानी मदद ना किए हैं शुक्र अलहमदुल्ला क्या कहती है, अरे पूरे शुक्र पढ़ने से पी पल नेता ने शुक्र शुक्र अलहमदुल्ला। अच्छा और फर्स्ट सेंटेंस बने माँ फरियाद की नहीं, मेरे बोलते बाबुल फरियाद हो कि फरियाद हो, बिल्कुल इसी तरह आप सुनना चाहते फरियाद हो तो ये बदो करो। तो मेरे बोलती है हाँ असल में वाकई चुनो है तो मेरे क्लियर कराने खपे ना खातो पांजो, देखो ये रूहानियत देखो जिंदारो, ये स्पिरिचुअल फिलोसफी देखो, ये चीज आपको ये फिलोसफर की बुकों में नहीं मिलेंगी जिंदारो, ये चीजें आपको वो बड़े बड़े थोथे में नहीं मिलेगी एरिस्टोटल और दूसरे जो फिलोसफर हो गए नहीं, ए सखी ए वेदा किताब माहे ए गमाना रे इतिया नहीं दिवस नहीं रात धूपन छाई रे वेद अने किताब में एकदम नहीं। और फिर बातें हुई धर्म की, माजी खरेखर कहीं फरियाद नहीं ना रे ना गांडा कहीं फरियाद थोड़ी हुए देखा देता समझती है कहीं फरियाद थोड़ी हुए अच्छे क्लियर थे रही अरे सी दो चलो वास्तव ये शक्ति कहां से आए, ये बल कहां से आए, ये ताकत कहां से आई। मैं तो बोले नहीं हम नूर नारी निभाई नेड़ी जा दे, हम नूर नारी निभाई मैं खुदा मुझे एड़ी जा दीजिए तमने अया थी आ बल मरशे। और जिसने इस डर के ऊपर आने की स्थिति थी, जिसने दिनदारों हाँ कभी मजबूरी होती है कभी लाचारी होती है,
बहुत टाइम हमारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि शाम के टाइम के ऊपर होते हैं, शाम के टाइम के ऊपर गराकी होती है। ऑलराइट, मैंने फिर कहा कि दरवाजे खुला रखा है। सुल्तान मुशा ने फरमाया कि कोई वक्त तमे दुनियाना कामकाज में बहुत मशगूल हो, तमे रस्ता में हो, जंगल में हो, क्या पण हो, पर जो कि दुआ नो टाइम छे ने तमे दुआ नहीं पड़ी सकते। पुराना फरमान है, इसके लिए पुरानी चीज बताइए। दुआ नो टाइम छे, तमे दुआ पड़ी सको एवी कंडीशन में नहीं, तो तमे पुरुषाना नाम ने तो पारा ने एक तस्वीर काटजो। पुरुषाना नाम यानी याद लिया पर तमारी ए तस्वीर पच्ची जारे तमे फ्री थे जाओ ए वक्ते तमे तमारी दुआ गुजारी लेजो। दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन लेकिन दिनदारो जान बुझ करके ना आओ। कंटाड़ो अचो तो ना विनजो, प्रोग्राम नारी जाए ना विनजो। हाँ अज वीकेंड आए खाने के भी पा छुट्टी दीजिए दादी पाके ना विनजो। नहीं तो आस्ते 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 नुकसान होता जाएगा। क्या नुकसान होता जाएगा पता है? जो अक्सर मैंने कहा है, देखो इस फरमान ढूंढ के निकाला पेज नंबर 36 बैतूल साहब का फरमान है सुल्तान मुशा के। ये बुक इंडिया एसोसिएशन ने अभी निकाली है लेकिन बेचान में नहीं है। एक बैतूल साहब को लिखी तो और एक कॉपी अलवाइस को देते हैं। लिखा है सरकार सुल्तान मुशा, अने तमने बैतूल ख्याल नो दरवाजो देखाड़िए छे, हवे ए दरवाजो खुलो छे, तमे अंदर आवो अथवा तो बाहर रहो ए तमारी मर्जी ऊपर से। और कहने की मुझे जरूरत नहीं है कनाडा के जनाब को कि आप बैतूल ख्याल में नहीं होंगे कोई। हमारे यहां तो बच्चा पैदा होता है हम लोग लाइफ का मेंबर बना देते हैं, मौला की दया है इसके लिए। दिनदारो मेरी बात नहीं है कोई, हमने बैतूल ख्याल नो दरवाजे दिखाड़ी दीदे थे, दाखिल था कि ना था तुम्हारी मर्जी नी बात है। पर सुल्तान मुशा फरमाते हैं जो व्यक्ति आ काम लेने इबादत नहीं करते, जो व्यक्ति आ काम लेने इबादत नहीं करते तेनु ईमान धीमे धीमे चालू जाए छे, एमा जराए शक नहीं, एमा जराए शक नहीं। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें बहुत देखी है। हम लोग कस्बी के अंदर एक जुमला हाजिर इमाम के पास बोलते हैं, मुझे आपा ने भी जब कस्बी निकाली, हमारी हमारे इंडिया में इसकी थोड़ा एडिशन है एक वर्ड का, या नी मौलानी शाह करी मलोसनी हाजिर इमान तू असा जो ईमान छेले दम से भी सलामत रखे, छेले दम से भी। जो लोग नुकसानी में नहीं है, जो ईमान लाए, जो नेक रास्ते पे चले दूसरे को चलाए, जिसने नेक अमाल किया और जिसने तकलीफ के टाइम पे सबूरी की, जो ईमान लाए, किसके ऊपर ईमान? अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह की किताब पर। और अल्लाह ने इसी कुरान पाक में फरमाया कि हमने जो नूर नाजिल किया है इसके ऊपर तुम ईमान लाओ। या हाजिर ईमान असा जो ईमान छेले दम से भी सलामत। और ये चीज बहुत डिफिकल्ट है दीनदारों, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा ईमान लाना इजी है, लेकिन हाजिर ईमान की जात के अंदर, अहले बैत के अंदर खुदा के नूर को कबूल करना ये बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा मुश्किल न होता तो हाजिर ईमान घड़ी घड़ी ईमान सलामती की दुआ हमको देता नहीं। सिल्वर जुबिली के फरमान चेक करो और तालीके के अंदर 10 जुलाई 1982 के तालीके के अंदर, जब तक मैं मेरी गलती हो तो मेरे को जरा कोई भी सुधार देना है, जो भी सीनियर्स यहां वाइजिन बैठे हुए या बुजुर्ग, कि जब तक मेरी स्टडी है 25 बरस में तालीके में पहले मरतबा हाजिर इमाम ने ईमान सलामती की दुआ भेजी है। आप चेक करो करीम हाजिर इमाम के सब तालीके, सब कहीं 10 जुलाई के तालीके में ऐसा फेस टू फेस जब आए हैं हाजिर इमाम ने दुआ दी है, मगर तालीके में फर्स्ट टाइम और तालिका बंद करने के टाइम पे मैं दुआ करता हूं तुम्हारे ईमान सलामती के लिए और तुम्हारे भाईचारे के लिए। योर अफेक्शनेट आगा खान सरवत प्रार्थना के नाम। तो मैंने कहा कि अहले बैत के अंदर खुदा के नूर को तस्लीम करना ये बहुत डिफिकल्ट है। और ये डिफिकल्ट नहीं होता ना दीनदारों, तो करबला के मैदान के अंदर 72 लोग नहीं रहते, 72,000 लोग रहते, 72,000।
ऐ जमातो, तमे एम समझो छो के करबलाना मैदान में फक्त 72 मुरीदो हता। नहीं ऐ जमातो, मुरीदो तो घना हता। कौन कहता है? आका अलीशा दातार बता। पर इमाम हुसैन ने एना खरा स्वरूप में ओळखवा वाला फक्त 72 जना हता। एना खरा स्वरूप में ओळखवा वाला फक्त 72 जना हता। इसके लिए मैंने कहा कि अहले बैत में नूर को तस्लीम करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए 72 जने थे, नहीं तो 72,000 होते। 72,000 फिर फरमाते हैं, ऐ जमातो, हूँ तमोने एक बात याद अपाऊ छू के तमे मने ओळखवा वाला थाओ। ऐ जमातो, तमे मने ओळखवा वाला थाओ। कराची में एक दूसरी बीना भी बनी तो कहा, मिश्री चलो एक इस्माइली को मिलने जाएंगे। मैंने कहा, भाई इस्माइली तो सभी है, ये खास इस्माइली को किसको मिलना है? तो बोले, चलो तो सही, बड़ी मजा आएगी। उस वक्त टाइम नहीं था, तो नहीं जा सका, लेकिन उनके पास से सब डिटेल ले ली। और फिर दूसरे दिन जाके देश के कुछ आपको देता नहीं जिंदारो, लेकिन देखो वो भाई इस्माइली है, हजरमान का मरीज है, लेकिन खुले आम कहता है कि आम इस्माइली हूं और मुझे हजरमान में से इमाम नहीं, ऐसा कहता है वो। और उसने मजीजा देखा है, मजीजा सुल्तान मूसा का और करीम हजरमान का, करीम हजरी दोनों का। और वो शाबान मुखी से कहता है कि मुखी आया नहीं कि मुझे जा दो लोग कर चुका, तो ये लोग जो इमाम मजबूत थे उनकी तस्ती कर जाओ, आ मुझे जो मजे हो, ऐसे भी है ना अपनी जमात में नमूने बिंदर, ऐसे भी है। खैर, मुझे शाबान मुखी कहते हैं कि मुश्री साहब आके बात सामने में नफरत ना आ बिंदर तरफ, निका ना पढ़ने से दुआ मांगने के आजरीमान छेले दम सुधारेंगे इमाम से बेहतर। पूरी बात क्या सुनो, पता है थोड़ा इश्नाश्री विचारता है, इश्नाश्री किताबें भी थोड़ी बहुत लिखता है, तो मर्सिया वगैरह की मोरम मर्सिया जाते ना। और मौजूदा क्या देखा है उसने कि सरकार सुल्तान मूसा की जब पदरानी हुई कराची के अंदर, तो वो इसमें आजम लेने को गया, बड़े काम का बोल लेने को गया। शाबान मुखी ने उससे पूछा कि तू तो हाजिरी मान के मने ना, तो तू बोल पिलाएगी ना लगे, तो बोले नारायण जो है कि कुरे बेटा इमान तू मरे कहता बड़े कम दे बोल इसमें आजम के नारायण जो तो कुरे बेटा। तो वो भाई कहता है कि आज उन्होंने देखे थे बंगले के अंदर सुल्तान मूसा पधारिया, अने जमात तरफ नजर करियो, नजर करी अने मरहूम वारस स्टेट एजेंट वारस करीम कैप्टन अमीर अली के वालिद साहब कैप्टन करीम, उसको बुला के सुल्तान मूसा कहते करीम इधर आओ। वो शख्स को बुला मेरे पास, वो आया तो मौलाना सरकार सुल्तान मूसा फरमाते हैं कि तुम क्यों आया है यहां पर, बाहर निकल जाओ। सुल्तान मूसा ने बाहर निकाल दिया उसको, तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है इधर, निकाल दिया। वो भाई कहता है शाबान मुखी से कह रहा हूं तो कार निकली है थे, पर फिर सुल्तान मूसा वफात किया में करीमा श्रीमान गादी पे आ गया। 1958 में धार्मिक तमकाश करा लेकर आ गया पाकिस्तान के अंदर, तो बोले हम पाछो ये होते कि हेलो करीमा श्रीमान को खबर नहीं थे। और वो कहता है कि मैं थमले के पीछे बैठ गया, थमले के पीछे, ये कैसे भी मैं अपने साथ में लाया हूं शाबान मुखी की बातचीत की।
हमले के पीछे बैठ गया करीमा हाजिरमान आए, उस वक्त स्टेट एजेंट वाले अमीर अली थे। हाजिरमान ने कहा देख हमले के पीछे फलाना फलाना हाजिरमान ने साइन दिए तो बैठा है ना उसको बुलाओ, और उसको बोले बाहर निकल जा। और सत्संग अमीर अली ने उसको बुलाया और कहा बापा हाजिरमान से इनका कोई बाहर ले, वो निकल गया है बाहर, अभी जिंदा है, बहुत जिंदा हो गया है। साबन मुख्य ने कहा अल्लाह की कुरान की आयत है ना, अरे मोहम्मद हमने जिसके सीने पे मोहर मार दी है, जिसके कान पे मोहर मार दी है, उसको तो कभी सुधार सकने वाला नहीं, तो कभी सुधार सकने वाला। या हजर इमाम तो ऐसा जो इमाम छिले दंश भी सलामत रख सकू। और सुल्तान उषा ने फरमाया कि अगर बंदी नहीं करो धीमे 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 तुम्हारे ईमान चालू जैसे, हाँ तुम नहीं पहुंच सको, यहां का तो वेदर भी बहुत खराब होता है सर, तो भी तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति ताकत है। वल्लाह मैं कहता हूं मैं तो बटो पॉलिश नहीं करता हूं, मैंने इंडिया के अंदर तुम्हारे दाखिले दिए हैं, ये यंग जो सिस्टर्स बैठे हैं, जो लड़के बैठे हैं, जो आप खिदमत करते हैं ना, ये जनरल इंडिया में वायरस तो नहीं होंगे। मैं खुले आम कहता हूं कि कैनेडा के यंग जो खिदमत करते हैं जिन्होंने पे नहीं कर सकेगा, लेकिन सिर्फ खिदमत नहीं, सिर्फ खिदमत मैं नहीं कहता हूं, शाह करीम लेसन हाजिर इमान सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया है जो खाली सेवा में मौलाना हाजिर इमान ने 1964 के अंदर इस्माइलिया एसोसिएशन के ऑडियंस के अंदर फरमाया ढाका के अंदर कि तुम्हारा मगज के अंदर एक वस्तु क्लियर करो, स्पष्ट करो कि आपका मस्जिद में कई वस्तु जरूरी छे, इम्पोर्टेंट छे, ए फक्त जमात खाना ने हाजरी ज नहीं, ए फक्त दुआ नहीं, ए फक्त जमात अने इमान ने सेवा ज नहीं, पर ए इबादत पर छे। और फिर फरमाते हैं कि इस्माइलिया एसोसिएशन ना मेंबरों ने वो अपील करूं छो, इंग्लिश में कॉपी है मेरे पास जिसको पढ़ी है, वो अपील करूं छो कि मारो आ इबादत का मैसेज मारी जमात का मेंबर ने जो तमें पहुंचाड़शो तो मारी मोटा में मोटी सेवा करेली तमें गणाते, मोटा में मोटी इबादत की जरूरत है 10 मिनट करो, 15 मिनट, 20 मिनट, देन आस्ते 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 एक घंटे के बाद। लेकिन यहां पता नहीं, मैं बहुत खुश हुआ सतारे की हाजिरी देखते, हमारे यहां सतारे की हाजिरी भी अभी सुस्त हो गई है थोड़ी दिनदारों, लेकिन सतारे की हाजिरी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन जहां सतारा पूरा हुआ जल्द पति जाना आराम कर, अभी मैंने ऐसा भी आराम करो, तो इसका मतलब क्या मुझे समझ नहीं पड़ती है। ये देर देर के आते हुए पौन साल जो तस्वीर उठाना है, हेलो हेलो मुबारक आपको, मोला इतनी भी शक्ति दिया है, ये तो वही कोई कहेगा मिश्री ताना मारे तो उन्हें सतारे लेना है इतना, ये ना कहना मगर कुछ ऊन तो है, सतारे का ऊन क्या है, रूहानी रोशनी। लगभग सबके मकान के बाहर गार्डन है, इन्हें जिशन बहना के घर पे उसके बाहर भी गार्डन है, अभी मैं नवीन बहना के यहां से आया उसके बाहर भी गार्डन है, सबके चेरनी सबके यहां गया था, छोटा छोटा गार्डन सबके यहां है। ऐसा करो अरी महीना गार्डन को पानी मत दो, सांस दिन दो, फिर वापस अरी महीना बंद कर दो, वापस सांस दिन दो, क्या होगा, न बराबर फूल खिलेंगे, न बराबर ग्रीन ग्रास होगा। इस तरीके से खाली सांस दिन बंद भी करो, थोड़े ऊपर चले वापस गिरेंगे, फिर वापस गाय महीना आया तो हमारी जो चेन है ना लिंक है ना वो जुड़ेंगे भी मोला बापा के साथ दिन डरो। और बल्कि ख्याल का मकसद है कि जो शाह करीम हाजिरमान ने कई मरतबा फरमाया कि जिन जिन बंदी ने प्रैक्टिस करशो मारी अने तमारी वच्चे ने रूहानी जो साकल छे ए टूटी टूटी अने टूटी थती जशे, अने खुदा न करे साहब, अने जो ए प्रैक्टिस नहीं करशो तो मारी अने तमारी वच्चे ने जो साकल छे ने ए टूटी जशे, मारा रूहानी बच्चाओ एने तोड़वानी कोशिश नहीं करजो, तोड़वानी कोशिश नहीं करो, बोला कैसा अपील करता है तेने तोड़वानी कोशिश नहीं कर, तेने दिवसे दिवसे तेने फ्रॉम करवानी कोशिश कर, ताकि लास्ट टाइम आ जाए अपना, मैंने जुनाम के तीन पाठ दिए, कुटुंब परिवार सजना नहीं सबको छोड़िया, किसका जुनाम है ये हसन कबीर जी का, मगर हसन कबीर जी ने कुटुंब परिवार को छोड़ा था, जिसकी पर हसन कबीर जी का 18 बच्चे थे दिनदारों, 18 लड़के थे बाल बच्चे, तो कुटुंब परिवार तो इसका दोस्त था, मगर कहता है कुटुंब परिवार सजना ने सबको छोड़िया, रहता था कुटुंब के अंदर फैमिली के अंदर, लेकिन मन था ने वो हाजिरीबान के साथ लगा हुआ था, मन बांधिया साथे चाहे से दिल तन से जोड़िया रे। और फिर वरानी में क्या आता है, श्री नदी के साहिया, श्री नदी का साहिया कौन,
मौला मुर्तजा अली सलात लाले श्री नबी के सावा ओ नबी के सावा पिया मौला सुख देर मत जइयो जरा अपन तो छोटो नहीं थे मारा थी सुख क्या जरा दे सुख देर मत जइयो जब आवे भी वेदना तब तुम देखन आइयो कि जारे वेदना आवे ने जारे आ दुनिया छोड़वाने टाइम आवे ने जारे आ शरीर छोड़वाने टाइम आवे ने त्यारे तुम्हें जरा मत जरूर आ गया हूँ पीली ऊपर साथरे मुहि नींद न आवे पीली ऊपर साथरे यानी जिसको फांसी की सजा होती है ना पढ़ते ना पेपर के अंदर कभी हमारे इंडिया में सजा अभी भी है फांसी पे चढ़ा देते हैं लेकिन बाद में जब उसको फांसी पे चढ़ा देते ना उसकी हिस्ट्री आती है तो रोने का जाए कभी कभी तो आदमी की हालत ऐसी हो जाए उसको नींद नहीं आए कि काले सवारी मरी दो काले लटका भी देते ऐसे पीली ऊपर साथ रहे मरे नींद न आवे मौत सिर पर ताल सिरे संको साधु ये भूलना नहीं कभी भी कि लाइफ है ना बेहतर नहीं है भले वेस्टर्न में आपके कैनेडा अमेरिका के अंदर थोड़ी लाइफ लंबी है आपका खाना पीना बहुत हेल्थ का ध्यान रखते हैं लेकिन एंड तो है इसका दिन भर पीछे करके बदल से बरस जियेंगे चढ़ा से बरस लेकिन एंड है समाप्ति है दी एंड है इसका मुझे नींद न आवे पांगड़े पांगड़े पिए जी मारे जीव खिलावे जैसे जैसे दिन पास होता है उम्र कमते होते जाते हम तम मिली गले में एक बावरी भया संत कबीर जी कहते या मुला मैं और तू गले मिलके बावरे बन गए तू हसन कबीर जी की विनती सो मेरे पाणावे हॉस्पिटल के अंदर लड़की छोटी बिचारी ब्लड कैंसर नीचे में हो गया बहुत बच्चे होते हैं मिलते हैं उसकी वजह अलग से रहती है एक एक सब्जेक्ट अलग अलग निकलता जाएगा बहुत बच्चे छोटे में अब्जेक्ट में जितने भी मरते होंगे अलग बहुत पायस होंगे जितने भी बचपन में 13, 12, 14 बरस की उम्र में जो बच्चे मरते हैं वो लड़की इतनी गर्मी थी मगर माँ बाप बिचारे ऐसे दुखी हो गए ऐसे लिफाफे डाले हारे पानी छोकर लगी गई बिचारी हेड़ी व्याधी हेड़ी व्याधी तो लड़की बोले मम्मी को मम्मी अरे कितनी चिंता से लड़ रहे होता हाँ मोला होते दिन मैंने देखो कितना ज्ञान कितने होते बाला परमाता है राजे प्रेगी धीरे रात्रेगी तेने जीव साहब से मेरा मन में चिंता को लाइ करता हूँ यानी बापा होते इनमें दुख लगे इनके लोग बड़ी बड़ी बोले उसका बाप बहुत चाहे उसको क्या चाहे एक दिन बोलते पापा अगर वो काम करना बोले करो बेटा मुका करो टॉय खाते हुआ मकड़ो खाते गिने थे कितना खुशी हुआ जल्दी गया फौरन गया जैसे गया ना बाहर तो मां को बोलती है मम्मी डैडी कितना ही प्यार करे तुम्हारा जो ऑर्डर करे तरह तो भी पड़े रमोकड़े देने लगे और फिर रास्ते से लेकर बोलती है मम्मी पर आना ही चाहिए कि मुझे ने मोला जो प्यार दे उसमें डैडी जो प्यार लड़कर रूप बने आना ही चाहिए कि मुझे ने मोला जो लौ जो उसमें भेजी यानी मम्मी जो प्रेम जिसने थे ना फिर जब उसका बात आया ना रमोकड़ा उसको दिया उसके बाद को समझाती है पता नहीं कुलह देर के करो था बजे के दिन में जरूर उकड़ेगी देखो कैसे समझाती और इसी दिन शाम को मुखी साहब आए छाटा बटा डाले बोले मुझे न्यास पिरा उन्होंने ब्लड कैंसर कर अब बस न्यास पिरा चलेगी आराम याली 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 मौलाना हाजिर इमाम सुखी रखे सलामत रखे आबाद रखे या हाजिर इमाम हकीकत समझ रखे तरह तरह की मोहब्बत रखे ना फरमानी ना काम के बचाव दे जाहिर बातों में गुनाह ने माफ कर दे सवार शान जमात करने आवाने अल्लाह शक्ति हिम्मत अने प्रेरणा आपजे या मौला दुनिया में जो अंधेर आवे से जे तकलीफो आवे छे ए तकलीफो अमने हिम्मत थी उपाड़वानी शक्ति आपजे अने अमारू ईमान छेला दम सुधी सलामत राखजे वर्ग जमा के है जंदा सलात परणाम
الدنيا والآخرة خير وقضى إن هذا لفي صحف أولى